नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत। आप देख रहे हैं ड्रॉइड एशिया का चैनल, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके फिर से मैं एक बार आ चुका हूँ आपके सामने, और बहुत से इंटरेस्टिंग न्यूज जो है आपको आज मिलने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का डेली टेक का और सीखते हैं कुछ नया। और दोस्तों, शुरुआत करेंगे सैमसंग से, और फाइनली हम लोगों को S20 सीरीज का पहला लाइव इमेज जो है एक्चुअल प्रोडक्ट का वो मिल चुका है। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों साइड का इमेज जो है वो लीक हो चुका है। और ये जो इमेज है ये S20 प्लस का इमेज है, इसको देख के ये क्लियर हो चुका है कि ये 5G में होने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे 6.7 इंच का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे रैम और रोम में 12GB का रैम, 8GB का रैम दो वेरियंट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 256GB का इंटरनल जो है हर एक फोन में आपको मिनिमम मिलने वाला है। साथ ही साथ में कैमरा की बात करें, जो फोन यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 से 5 कैमरा, बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पे 4 कैमरा है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि ये 5 कैमरा का फोन होने वाला है। S20 अल्ट्रा की बात करें तो वहां पे आपको मिलने वाला है सेकंड जनरेशन का 108 मेगापिक्सल का कैमरा, बाकी फोन में आपको 12 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर मिलने वाला है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले मैं आपको जरूर उसके बारे में शेयर कर दूंगा अपने फ्यूचर के एपिसोड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों, अपना अगला न्यूज आ रहा है नूबिया की तरफ से। जी हाँ, कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्टर में दिखाया था कि नूबिया का 5G जो है बहुत जल्द आने वाला है, और फोन का नाम क्या होने वाला था ये तो कंफर्म नहीं किया था, लेकिन अभी ये क्लियर हो चुका है कि इसका नाम होने वाला है नूबिया रेड मैजिक 5G, और ये टक्कर देने वाला है सीधा सीधा ब्लैक शार्क 3 को। जी हाँ, यहाँ पे दोनों ही फोन जो है 5G में आने वाले हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है नूबिया की तरफ से कि ये फोन जो है 5G में आने वाला है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो आज वीवो में नूबिया के सीईओ ने शेयर किया है वो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। जी हाँ, 120 हर्ट्ज जो आजकल एक बेंचमार्क बन चुका है गेमिंग फोन के लिए, उससे थोड़ा ऊपर आपको इस फोन में मिल जाएगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे शायद इतनी हाईएस्ट रिफ्रेश रेट की जरूरत क्या है, लेकिन जितना गेम्स आगे बढ़ रहे हैं और उनका ग्राफिक जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए हाईएस्ट रिफ्रेश रेट जितना भी आपको मिले वो आपके लिए कम है। साथ ही साथ में आपको 240 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, देखने लायक यही है कि यहाँ पे 16GB का रैम आता है कि 12GB का रैम आता है, क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि ब्लैक शार्क 3 5G में आपको 16GB का रैम जो है वो मिलने वाला है। तो देखते हैं नूबिया कितना जीबी रैम देता है। कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं अपने सोशल मीडिया के चैनल पे उसको जरूर शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टीरियस फोन जो है लिस्टिंग हो चुका है, जिसमें कैमरा आपको मिलने वाला है 256 मेगापिक्सल का। जी हाँ, यहाँ पे सुनने में बहुत ही शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों को 108 मेगापिक्सल का जो फोन है वो मिला था, लेकिन अभी ऑफिशियली सिर्फ मी नोट 10 पे ही ये अवेलेबल है। सैमसंग का जो S20 अल्ट्रा आने वाला है शायद उसमें भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा हम लोगों को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे उसका ऑलमोस्ट डबल जो है कैमरा आने वाला है। आपको क्या लगता है इतना मेगापिक्सल फोन के कैमरा में उसकी जरूरत है, आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। चलिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले मैं जरूर शेयर कर दूंगा अपने फ्यूचर के एपिसोड पे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों, अपना अगला न्यूज आ रहा है जियोनी की तरफ से। जी हाँ, कुछ साल पहले जियोनी जो इंडियन मार्केट में और चाइनीज मार्केट में एक रेप्यूटेड ब्रांड बन चुका था, जो 2018 में अपने आप को बैंक्रप्ट भी अनाउंस कर चुका है, लेकिन फिर से एक बार चाइना के मार्केट में वो धीरे धीरे फोन लॉन्च कर रहा है। नवंबर के महीने में मैंने अपने डेली टेक तक एपिसोड में दिखाया था कि दो फीचर फोन जो है जियोनी ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि जियोनी ने अनाउंस कर दिया है जियोनी स्टील 5 नाम का एक स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट के लिए। जी हाँ, यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपको फ्रंट में 13 मेगापिक्सल कैमरा और बैक में 12 एंड 2 डुअल रियर मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 4/64 और 6/128 का कॉन्फ़िगरेशन भी मिलने वाला है। प्रोसेसर कौन सा है ये तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिलने वाला है ये कंफर्म हो चुका है। प्राइसिंग के बारे में अभी तक जियोनी ने कुछ ऑफिशियली नहीं बताया है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले मैं जरूर शेयर कर दूंगा। आप मुझे नीचे बताइए कि जियोनी फिर से इंडिया में आए तो आप उसको लेना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि अचानक से ये रातों रात गायब हो चुका था इंडियन मार्केट से। बहुत से ऐसे कंज्यूमर है जो जियोनी को ट्रस्ट करके फोन लिए थे, लेकिन उनको बाद में सर्विस भी नहीं मिला। तो फिर से एक बार क्या जियोनी पहले जैसा ब्रांड नेम क्रिएट कर पाएगा, यही देखने लायक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों, आज का आखिरी न्यूज आ रहा है रियलमी की तरफ से। हमारा डेली टेक तरह का न्यूज जो है रियलमी छोड़ के कभी खत्म हो ही नहीं सकता, और ये आखिरी न्यूज रियलमी की तरफ से आ रहा है। रियलमी का एक नहीं दो नहीं बल्कि
पांच पांच फोन जो है वो लिस्टिंग पे आ चुके हैं। जैसे कि आप मॉडल नंबर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे RMX 2020, RMX 2025, RMX 2030, RMX 2040 और RMX 2061, इतने सारे फोन जो है वो लिस्टिंग्स पे अलग अलग कंट्रीज के आ चुके हैं। इसमें से बात करो तो यहाँ पे आपको RMX 2025 जो है वो 5G फोन होने वाला है, इतना कंफर्म हो चुका है जैसे कि आप इमेज स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी दो फोन्स की अगर मॉडल नंबर की बात करो तो यहाँ पे Realme C3 जो है और C3S का जो है मॉडल नंबर सेम है RMX 2020। तो देखने लायक यही है कि एक फोन का ही दो वेरियंट अलग अलग कंट्रीज में शायद इसका लॉन्च होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो Realme C2 यहाँ पे लॉन्च हुआ था सेम कन्फिग्रेशन में ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में, ये थाईलैंड में लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आपको ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक जो है मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसका प्राइसिंग है सिर्फ 2,999 रुपये, जी हाँ 3,000 रुपये में आपको मिल रहा है यहाँ पे 3GB और 32GB का इंटरनल मेमोरी। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रियलमी का 50 मिलियन का जो ख्वाब है इस साल पूरा करने का, वो शायद इस फोन से ही हो जाएगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं जरूर आपको शेयर कर दूंगा। ये जो पांच फोन है इसमें से C3 और C3S जो है एक फोन तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ में बाकी चार फोन के नाम अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। लेकिन इसको देखिए यही लग रहा है कि U2 और C3 बहुत जल्द आने वाला है मार्केट में, साथ ही साथ में 6 सीरीज जो है एंटायर 6i, 6, 6 प्रो ये सब भी बहुत जल्द आने वाला है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं जरूर अपने सोशल नेटवर्क चैनल पे स्पेशली इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन साथ में प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।